वेलकम डियर स्टूडेंट, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा अपडेट बोर्ड परीक्षार्थियों को दिया है। यहाँ पर देख सकते हो, हम चलते हैं हिंदुस्तान की वेबसाइट पर और ये न्यूज है 12 नवंबर यानी सुबह 7:58 पर पब्लिश किया गया है। यूपी बोर्ड एग्जाम डेट 2021 फरवरी नहीं, इस माह में हो सकती है यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा। बात करेंगे, आपकी परीक्षा ओपन बुक तरीके से भी हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं पहले इस न्यूज में क्या बताया गया है, उसके बाद एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। यानी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना बन रही है, जो कि मार्च फरवरी में होती थी, अब कब में अप्रैल में हो सकती है। केंद्र निर्धारण से लेकर प्रायोगिक परीक्षा तक पिछड़ गई है। फरवरी और मार्च में प्रस्तावित पंचायत चुनाव भी अड़चन होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक साथ कई सारे फैक्टर हैं। एक तो कोविड-19 की वजह से सब कुछ पिछड़ता जा रहा है, दूसरी बात इलेक्शन भी आ चुके हैं, जो प्रधान वाले इलेक्शन होते हैं फरवरी और मार्च में होने हैं, उसी टाइम पर स्कूलों में एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि बोर्ड के अधिकारी अपनी तैयारी पूरी होने का दावा कर रहे हैं। यूपी बोर्ड ने 2021 की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेज दिया था। पूर्व के वर्षों में अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक केंद्र निर्धारण की नीति जारी हो जाती थी, लेकिन इस साल अब तक नीति फाइनल नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड, ऐसा इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि इस साल जो आपके सेंटर बनेंगे वो पहले जितने बनते थे उसके 2 गुना ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन रखा जाएगा। यानी जिन स्कूलों में सेंटर नहीं पढ़ते थे, इस साल लगभग सभी स्कूलों में सेंटर पढ़ेंगे, तो आपके घर के पास वाला जो स्कूल होगा उसमें भी आपका सेंटर पढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। देखिए, यहाँ पर बताया हुआ भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर होने पर 1.5 गुना या 2 गुना केंद्र बनाने होंगे, जिससे परीक्षा का खर्च भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा छात्रों पर। यहाँ पर ये खबर देखिए, 9 से 12 तक के 1/3 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं, यानी स्कूल भी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुए हैं। ये तो खबर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हिंदुस्तान ने अपडेट। वहीं पर देखिए, यहाँ पर 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की ओपन बुक पैटर्न पर होगी छमाही परीक्षा। यहाँ पर ये भोपाल यानी एमपी बोर्ड ने नई दुनिया का जो न्यूज़पेपर उसमें प्रकाशित करवाया है, तैयार हो रहे प्रश्न पत्र यानी कॉलेजों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की भी परीक्षा होंगी। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ओपन बुक पैटर्न पर छमाही परीक्षा लेने की तैयारी शुरू हो रही है। दिवाली के बाद यह परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्रेंड, ओपन बुक परीक्षा क्या होती है, आपको जो क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और उसमें आपको अपनी बुक अपने साथ रखने की अनुमति होगी। उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबके आंसर आपकी बुक में दिए हुए रहेंगे, तो आपको क्या करना है, उस बुक में से उन आंसर्स को ढूंढना है और अपनी आंसर कॉपी में लिखना है। इस तरीके से होती है ओपन बुक परीक्षा। तो उसमें भी एक टाइम लिमिट रहती है कि इतने समय में ही आप आंसर ढूंढ करके लिख सकते हो। तो आप आंसर कब ढूंढ पाओगे, जब आपने अपनी बुक को पढ़ा होगा। ऐसे छात्र जिन्होंने बुक को खोल करके ही नहीं देखा है, तो ऐसे छात्र भी ओपन बुक परीक्षा में पास होना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड, बात करें एमपी बोर्ड की, तो अभी तक सिलेबस के ऊपर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है कि सिलेबस रिड्यूस होगा नहीं होगा, 30% बढ़े घटेगा या कुछ होगा, इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। एक बार अपडेट आया था, उसको वेबसाइट से पुनः वापस हटा लिया गया है। एमपी बोर्ड ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया है अपने सिलेबस के बारे में, जिसकी वजह से परीक्षा बोध नवबोध आने में भी देरी लग रही है। हालांकि इससे छात्रों को नुकसान ही हो रहा है, उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, वो अभी तक इसी डाउट में ही है कि उनको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कम हुआ सिलेबस उनको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक हट गए, इसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। तो यहाँ पर बोर्ड के लिए मैं बोलना चाहूँगा, उनको सिलेबस के बारे में बिल्कुल कंप्लीट बता देना चाहिए, कम होगा नहीं होगा, इससे छात्रों के अंदर की जो डर है वो निकल जाएगा और उनको अपनी पढ़ाई पढ़ने में ज़्यादा तनाव फील नहीं करना पड़ेगा।